हेलो दोस्तों, क्या हाल हैं आप सभी के। मैं एकदम बढ़िया हूं और मैं आशा कर रहा हूं कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही है। आपकी तैयारी को और आसान बनाने और सुखद बनाने के प्रयास में हम फिर से हाजिर हो चुके हैं एक नए चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए। दोस्तों, ये चैप्टर अगेन एक कैटेगरी ए चैप्टर है और ये थर्ड नंबर पे आता है मेरे कैटेगरी ए की लिस्ट में। ठीक है ना सर, ये कौन सा चैप्टर है और इस चैप्टर में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें करके ही जाने चाहिए अगर हमें बहुत अच्छा परफॉर्म करना है इन द नवंबर 2023 सीए फाइनल एग्जामिनेशंस। ठीक है ना, चलिए। मैंने सर कौन सा चैप्टर है, कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं आप हमें प्लीज बताइए। मैंने कहा दोस्तों चैप्टर का नाम है डेरिवेटिव्स। ठीक है ना, डेरिवेटिव्स। दोस्तों ये चैप्टर बहुत आसान है बट पता नहीं क्यों ये चैप्टर बच्चों को डराता है, बहुत ज्यादा डराता है। इतना डराता है कि रातों में नींद सर बेचैन होने लगती है। मैंने कहा सर ये आसान चैप्टर क्यों है, आप प्लीज हमें बताओ ना। मैंने कहा दोस्तों ये चैप्टर इसलिए बहुत आसान है क्योंकि इसके अलाइड टॉपिक्स, इसके टॉपिक्स आपने ऑलरेडी फॉरेक्स और इंटरेस्ट रेट रिस्क जैसे चैप्टर्स में पढ़ रखे हैं। सर कौन से ऐसे हैं, मैंने कहा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट याद है। हाँ सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट याद है, हमने फॉरेक्स में पढ़ा था। अच्छा फ्यूचर्स याद है, मैंने कहा हाँ सर फ्यूचर्स याद है, हमने फॉरेक्स में भी पढ़ा था और इंटरेस्ट रेट रिस्क में भी पढ़ा था। अच्छा ऑप्शंस याद है क्या, मैंने कहा हाँ सर ऑप्शंस भी याद हैं और हमें याद आ गया कि सर हमने फॉरेक्स में भी पढ़ा था और इंटरेस्ट रेट रिस्क में भी पढ़ा था। क्योंकि इसकी प्रैक्टिस करने के ऑप्शंस इतने सारे हैं इसलिए ये चैप्टर आसान बन जाता है। ठीक है ना, चलिए। तो मैंने कहा सर इसका एवरेज टेस्टिंग पिछले कई सारे अटेम्प्ट्स का अगर आप एवरेज निकालें तो यहां पर 10 से 12 मार्क्स का होता है, 10 से 12 मार्क्स का ये पूछा जाता है और ये कैटेगरी ए लिस्ट में थर्ड चैप्टर पे आता है। ठीक है ना, चलिए आइए। मैंने सर इसमें हमें सबसे पहले क्या समझना है, मैंने सर आपको यहां पर बेसिक्स समझने बहुत जरूरी है कि आखिर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। तो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का मीनिंग, ठीक है ना, क्योंकि हमें इसका एक स्ट्रक्चर तैयार होता है माइंड में कि आखिरकार हमें इसको समझना कैसे है। सर इसी के साथ साथ हमें ये समझना है कि ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं इसके अंदर पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन होती हैं, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन होती हैं और इनकी ऑब्लिगेशंस और राइट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है ना, चलिए। इसके बाद मैंने कहा कि सर हमारे पास टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या क्या होते हैं, ये सारी बातें बहुत जनरल हैं, बेसिक्स के अंदर हमें सिर्फ इतनी सी बातें समझनी बहुत जरूरी हैं। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का। दोस्तों फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमने ऑलरेडी फॉरेक्स में इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लिया है कि हमें डेरिवेटिव्स के चैप्टर में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे मेहनत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इसके लिए तो हमें क्या करना है सर, हम जब फॉरेक्स करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज का चैप्टर ही हमें रेफर करना है, फॉरेन एक्सचेंज का चैप्टर और उसी के नोट्स और उसी के सम्स हमें रेफर करने हैं। ठीक है ना, तो लीजिए एक टॉपिक तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। अब मैं सर आगे बताऊं ना, आगे बताता हूं। देखिए इसके बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फ्यूचर्स। फ्यूचर्स का कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें बायर ऑफ अ फ्यूचर और सेलर ऑफ अ फ्यूचर का नोशन क्या होता है, क्या आइडियोलॉजी के साथ एक व्यक्ति फ्यूचर्स बाय करेगा या फिर फ्यूचर्स सेल करेगा, यह समझना बहुत जरूरी है। और इसके बाद हमें यह समझना जरूरी है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है ना, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं सर, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं प्लीज आप हमें बता सकते हो। मैंने कहा बिल्कुल बता सकते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले तो आपको कॉस्ट टू कैरी इंपॉर्टेंट टर्म है और ये एक कॉन्सेप्ट है अपने आप में। ठीक है ना, फिर बेसिस क्या होता है, फिर सर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या होती है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे इसको ना समझ पाने के कारण यहां पर गलतियां बहुत कर जाते हैं। ठीक है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अपने को समझना बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ हम लोगों को यहां पर मार्जिन क्या होता है और इसके तीन टाइप्स कौन कौन से हैं, तीन टाइप्स कौन कौन से हैं, पहला है इनिशियल मार्जिन, दूसरा है मेंटेनेंस मार्जिन और थर्ड है हमारा वेरिएशन मार्जिन। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हम लोगों को देखनी बहुत जरूरी हैं। इसके बाद हम चलते हैं आगे और हमने कहा सर मार्जिन के बाद मार्क टू मार्केट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क टू मार्केट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए। मैंने सर इसके बाद हम लोगों को एक छोटा सा टॉपिक करना है, दैट इज हेज रेशियो। दोस्तों हेज रेशियो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन का पार्ट बनता है और इसी की मदद से आप फ्यूचर्स के बड़े बड़े क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। सर फ्यूचर्स को खत्म करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आता है डेरिवेटिव्स के अंदर वो होता है ऑप्शंस। ठीक है ना, ऑप्शंस। सर ऑप्शंस में हमें क्या क्या समझना जरूरी है, मैंने कहा अगेन सबसे पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि ऑप्शन में कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, कॉल ऑप्शन में कॉल बायर का क्या नोशन होता है, कॉल सेलर का क्या नोशन होता है, कॉल बायर को कब पैसा मिलेगा, पे ऑफ मिलेगा, रिसीव करेगा और कब कॉल सेलर
पैसा रिसीव करेगा। सिमिलरली पुट बायर पुट सेलर का क्या नोशन होता है और कब पे ऑफ मिलेगा पुट बायर को और पुट सेलर को, ये सारी बातें समझनी यहाँ पर बहुत जरूरी है, तभी आप आगे इसके आगे बढ़ पाएंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने समझा कि सर हमें ऑप्शन को कब एक्सरसाइज करना चाहिए, एक्सरसाइजिंग ऑफ द ऑप्शंस, ठीक है ना। तो जब इन द मनी होगा ऑप्शन, तभी हम एक ऑप्शन को एक्सरसाइज कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर टेक्निकल टर्म्स के ऊपर भी हमें फोकस देना है। इसके बाद हम लोगों को यह देखना है कि सर पे ऑफ डायग्राम कैसे बनाया जाता है, तो पे ऑफ सिनेरियोज हम लोगों को समझना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी पे ऑफ का ग्राफ बनाने को बोल दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद यहां पर हमें देखना है ऑप्शन की वैल्यूएशन कैसे होती है, ऑप्शन की वैल्यूएशन कैसे होती है। इसके अंदर हम लोगों को बाइनोमियल मॉडल, ठीक है ना, और ब्लैक स्कोल्स मॉडल, ये तो जरूर से करके जाने हैं और ये हेविली टेस्टेड एरिया है ऑप्शंस के अंदर, ठीक है ना। तो मैंने कहा सर ये तो बिल्कुल भी छोड़ के आप जा ही नहीं सकते, बाइनोमियल मॉडल एंड ब्लैक स्कोल्स मॉडल, ठीक है ना। चलिए इसके बाद मैंने सर इसके बाद हमारे पास है स्ट्रैटेजीज ऑफ ऑप्शंस, स्ट्रैटेजीज ऑफ ऑप्शंस जो आपको करके ही जानी है, करके ही जानी है। इसमें स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, स्ट्रिप, स्ट्रैप, बटरफ्लाई, ये सारे तरीके की स्ट्रैटेजीज हैं और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी डायरेक्ट पूछा जाता है, स्टैंड अलोन क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रैटेजीज भी आपको जरूर से करके जानी ही जानी है, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर दोस्तों हमारा ऑप्शंस का भी जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो खत्म हो चुका है। इसके बाद हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक बचता है, दैट इज स्वैप। दोस्तों स्वैप की प्रैक्टिस भी हम लोगों ने ऑलरेडी काफी हद तक कर रखी है इंटरेस्ट रेट रिस्क में, ठीक है ना। तो वहां पर आप जाकर इसको रेफर कर सकते हैं। तो मैं यहां पे फिर से लिख देता हूं रेफर इंटरेस्ट रेट रिस्क, ठीक है ना, चैप्टर। तो वहां पर हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि कैसे हम स्वैप कंस्ट्रक्ट करते हैं और कैसे हम लोग बेनिफिट टू द पार्टीज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो इसी के साथ हमारा ये जो ऑप्शंस, फ्यूचर्स, स्वैप्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और बेसिक के जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये जो हमें नहीं भूलनी है वो हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है ना। तो ये डेरिवेटिव्स के अंदर लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने बना ली है। आप फटाफट से इन बातों को अपने पास लिख लीजिए। आई होप आपको डेरिवेटिव्स का रिविजन और प्रिपरेशन करने में इस कंटेंट से बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। विथ ऑल द बेस्ट विशेष टू यू, आप अपनी तैयारी जोर शोर से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।